You first. सर आपसे शुरुआत कीजिए। मैं लेकिन उन्होंने बोला फ्रेम तीनों का है तो अच्छा तो बोल सकता हूँ मैं। ऑलरेडी आपका पहले भी सॉन्ग आया है, काफी सक्सेस बहुत रहा है। आपने देखा? हाँ देखा है, आया है उन्होंने। तो बताइए सर। हाँ मतलब ये तेरे जैसे फोर जो बना है, इसके पहले पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री बना था और सक्सेस हुआ था इसलिए पार्ट फोर बनाया। पता नहीं था ये, बेसिकली हमने इसको पार्ट फोर के हिसाब से नहीं बनाया था। जब हम लोग ने म्यूज़िक सुनी थी और जब हम लोग ने गाना सुना था तब हम लोग ने इसे सिर्फ शूट किया था, लेकिन ये इतना अच्छा बन गया और इतना मतलब हॉट बना है गाना कि ये तेरे जिस्म की कैटेगरी के अंदर आने के लिए बिल्कुल मतलब वाजिब था। तो वी डिसाइडेड कि इसको हम तेरे जिस्म फोर का ब्रांड नेम देंगे और जी म्यूजिक को भी ये गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो दैट इज़ वाई दिस इज तेरे जिस्म फोर। ये बताइए। एक्जेक्टली ये वाला सवाल मेरा भी था। ये थीम थी थोड़ी हॉट हॉट नर्स की। सो आई एम हिज ड्रीम गर्ल और ये उसकी रियलिटी थी। कुछ ऐसा सर इन्होंने सीक्वेंस बनाया था। सो वो उसकी वाइफ थी और मैं उसकी पापा की नर्स। एग्जैक्टली दैट वाज अमेजिंग प्रोजेक्ट एंड we just I'm glad that I'm in tere jism 4 teri aahate and this is our first project like with aslam yeah and tere jism 1 2 3 was amazing and I'm damn sure people will like this too and hame bahut bahut maza aaya tha ye banate hue like it was totally amazing yeah sabse zyada to zubeen most favorite yeah aap kya kehna chahte hain how was it for you जी मेरे लिए तो ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है क्योंकि इसके बाद मेरी दुनिया ही बदल गई जैसे कि आप जानते हैं। बीच में एक्चुअली पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ें जब साथ में और बीच में आ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है इंसान को। और उस वक्त मैं जानता हूँ कितने छोटे से सीन के लिए कितना बड़ा इशू क्रिएट हो गया था और जिसकी वजह से मेरे पर्सनल रिलेशन में भी इफ़ेक्ट आ गया और कुछ हुआ नहीं था। इट वॉज़ जस्ट एन एक्ट। यहाँ पर आपको अभी सॉन्ग आप लोगों ने मे भी देख लिया होगा, मैं ही लेट आया हूँ। तो आपको कैसा लगा आप लोग पहले मुझे बताएँ इसमें। डिडंट फाइंड एनी, कुछ भी नहीं था ना ऐसा, राइट? तो वहाँ पे तो ड्यूरिंग शूट जहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं वाइल शूटिंग, यार एक एक्टर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है राइट, कि वहाँ पे अपनी कितनी सारी फीलिंग्स है क्या है। मेरे तो दिमाग में ऐसी चीज़ चल रही है कि मेरी वाइफ वहाँ पे रो रही है और मैं यहाँ पे एक्ट कर रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। Exactly, that was a little tough for all of us. Obviously, yeah. ये enjoyment she was there तो है नहीं। और हम shoot कर रहे हैं और इसे shoot दिन रात। मैं इस song के लिए ना इसके पहले दो flights लेके आया हूँ वापस और रातों रात जाग के वापस आके मैंने shoot किया। तीन दिन से मैं सोया नहीं था, ये हाल से मैं shoot कर रहा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग experience रहा है मेरे लिए और life ही काफ़ी अलग हो गई। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। अबाउट द सॉन्ग, ऑलराइट, सो एक्सपीरियंस अबाउट द सॉन्ग इज लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रीम सॉन्ग फॉर एवरी गाइज आई बिलीव, क्योंकि एवरीबडी वुड लाइक टू फ्लॉन्ट और यहाँ पे यही सब आपको देखने मिला होगा। आई गेस मैंने खुद अब तक नहीं देखा यार, प्लीज़ एक बार मेरे लिए भी चला दो। He was very supportive और इन्होंने जितना सपोर्ट किया इस सॉन्ग को कम्प्लीट करने के लिए सारा मेहनत और डेडिकेशन मेरे हिसाब से इन्हीं का है। क्योंकि अगर ये नहीं होते मेरे ख्याल से ये सॉन्ग इतना ब्यूटीफुली और इतनी मुश्किलों के साथ गुजरा है कंप्लीट भी नहीं हो पाता और वो भी इतने अच्छे से। इतनी बार कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं, इतनी बारी कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं। Yes, yes. So, okay, हर एक पार्ट पे चेंज हो रहा था कॉन्सेप्ट एंड ही हैज डन अ वेरी वंडरफुल जॉब और आपने देखा होगा अभी तो या
डेफिनेटली मतलब एक्चुअली जब जुबिन मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि मैं बेड के ऊपर सीन नहीं करूँगा, ये दैट वॉज हिज थिंग व्हेन ही केम टू मी ऑन द सेट, तो वहीं मैं आधा हिल गया था. बिकॉज अगर आप कोई हॉट गाना बना रहे हैं, बोल्ड गाना, और वो भी तेरे जिस्म सीरीज का कोई गाना है, और वहाँ पर बेड ना हो, तो फिर मैं यही सोच रहा था कि मैं उसको शूट कहाँ करूँ बेसिकली, अगर मुझे कोई अच्छा हॉट मोमेंट लेना है. लेकिन जैसे कहते हैं कि मैं समझा इनकी परेशानी, एंड इमीडिएटली हम लोगों ने सोल्यूशन निकाला उस चीज़ का, और हम लोगों ने उसी सीक्वेंस को आपने देखा होगा ग्रिल के अगेंस्ट कर लिया, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर वो बेड पर होता तो शायद टिपिकल हो जाता. आज ग्रिल के अगेंस्ट वही सीक्वेंस ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा हॉट लग रहा है. तो जब भी कोई चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है. ये सभी के सजेशन एक्सेप्ट करते हैं. एक्चुअली मैं बोल रही हूँ, जो ये बोल रहे हैं ये सब सुन रहे हैं, और उसी के हिसाब से नया कॉन्सेप्ट है. इफ इट इज पॉसिबल तो ये अपना 100% दे देंगे कि हाँ पॉसिबल है. किसी को कैसे हो गया, मेरा भी इस तरह का पहला सॉन्ग था. और शूट पे इनकी वाइफ बैठी हुई है, हम लोग सोच रहे हैं हम करें तो करें क्या, मुझे शूट होने रहा मेरी कॉन्शियस कब में क्या करूं, और भाई बोल रहे हैं मुझे कि भाई वो फीलिंग नहीं आ रही. तो ये मेरे लिए बहुत, जब मेरी वाइफ रोते हुए दिख रही है, आई सो लव माय वाइफ. तो केबल छोटे, केबल छोटा नहीं, मेरे से भी बेहतर हूं. और ट्राई किया भाई थोड़ा दूर दूर वाला सीन देते, तो शी वाज क्राइंग. फिर वहां पे जो भी सीन हो रहे थे नहीं हो पा रहा था, फील नहीं आ पा रहा था, तो शी टोल्ड मी कि नाउ फॉरगेट ऑल दिस, लेट्स फोकस ऑन वर्क. तो मैं सोचा अभी हम बहुत आर गेटिंग कंफ्यूज्ड कि व्हाट टू डू नाउ, वी आर नॉट इवन एक्टिंग इधर, अब हम डर गए. मतलब टाइम कम है, एक दिन में कंप्लीट करना है, राइट. तो इन्होंने जैसे मुझे बोला कि मैं सोचा आपको फिर काम काम पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, राइट. तो बस शुरू हो गए हम लोग, वो जो भी आपने देखा जूस वूस गिरा ये वही वाला. आप एक दूसरे को कितने को कंफर्टेबल कर रहे थे, यू सेड लाइक एवरीवन द लिटिल यू नो. एक्चुअली मैं ये ज्यादा बोल रही हूं, हां शी इज माय ओल्डेस्ट फ्रेंड, तो हम लोग साथ में पहले से मतलब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. सबसे ज्यादा मेरी पुरानी फ्रेंड ये है, और ये इसकी फ्रेंड थी, तो ऑब्वियसली सबकी बॉन्ड है, जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड मैच करती है, तो कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को साथ में काम करने में. ये सबसे बहुत टैलेंटेड है, तीनों के तीनों बहुत टैलेंटेड है. जैसे आपने देखा मुझे मुझे मतलब ये एक्चुअली एक एक्टर्स का सॉन्ग है. ये आप अगर देखेंगे जनरली जो भी म्यूजिक वीडियोज होते हैं उसमें आप देखते हैं लड़का है लड़की है स्माइल कर रहे बस निकल जाते हैं, तो काफ़ी इमोशन है. जैसे निहारी का के लिए भी इमोशन था, शूटिंग के लिए था, और वो पोर्ट्रे करना और इस तरह का बोल्ड सॉन्ग ये जो महेश भट्ट की फिल्मों में गाना है, उस लेवल का एक तरह से एग्जीक्यूशन है गाने का, तो वो इतना ईजी नहीं होता है. इमोशंस को, रोमांस को, हॉरमेंस को कन्वे करना, एक एक्सप्रेशन गलत हो जाए तो सारी चीज़ें बहुत ख़राब लगती हैं. एक बॉडी मूवमेंट गलत हो जाए तो भी बहुत ख़राब लगता है, बल्गर लग सकता है, चीप लग सकता है. तो सारी चीज़ों को इन लोगों ने भी ध्यान में रखा, हमने भी ध्यान में रखा. डिफिकल्ट डेफिनेटली होता है, ये नॉर्मल गानों की तरह नहीं है कि आप कुछ भी शूट करके ब्यूटी शॉट डाल के बस गाने को आप निकाल देते हैं. सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम. इसके अलावा जो सिंगर है हमारे और जो म्यूजिक कंपोजर हैं, उन लोगों ने भी बहुत ही अच्छा गाया. जैसे ये गाना मैंने सुना था मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये गाना शूट करना है. और ये तेरे जिसम फोर मतलब किस्मत की बात है कि इसको हमने तेरे जिसम फोर का प्लान लिया, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री से आगे डेफिनेटली इस तरह का सीन इस पर सकते हैं. दस लेकिन नहीं पड़ा बहुत कुछ है यार, ये सारे एक कुछ भी क्रिएट करते हैं. वो ड्रेस जब आई थी नर्स की, आई वाज लाइक ये मैं पहनूंगी. Hey, she was really excited. Yeah. And she has done a fantastic job, as you can see. Even she's looking fantastic in that.
नहीं जो भी हो रहा है, जैसे निहारिका का कैरेक्टर है, वो वाइफ का कैरेक्टर है, ये एक फैंटेसी है. ये बेसिकली देखा जाए जो नर्स का आप जो एलिमेंट बोल रहे हैं ना, दैट इज बेसिकली अ फैंटेसी काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच हैज बीन कन्वेड एंड एग्जीक्यूटेड. तो ये हो सकता है कि थोड़ा नॉटी नर्स की तरफ थोड़ा उस तरफ जा रहा है, और वो इरादा भी यही था कि लोग जब देखें इसको तो बोलेंगे इस तरह की नर्स तो कभी होती नहीं, हमने तो कभी देखी नहीं है. आपको पता है कि मैं खुद सीन
सीन चेंज करा था, उनके सीन की बात मैंने कहा मैं आई कैन नॉट डू इट ऑन स्क्रीन, मैंने तो खुद मना कर दिया था मैं नहीं कर तो मैं नहीं कर सकता था वो मेरे खुद के डिमांड उसके बाद भी इश्यूज हो सकते हैं सोचो लॉयल्टी के बाद भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं सो नेवर टेक अ चांस सर आप बताइए आपने गाना बताना चाहिए सर थोड़ा सा Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.